नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। योग गुरु रामदेव इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर उंगली उठाते हुए कहा कि बूस्टर डोज लगने के बाद भी अगर किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो यह मेडिकल साइंस का फेलियर है। ये वही योग गुरु हैं जो कोरोना काल के दौरान कोरोनील को कोरोना के लिए रामबाण बता रहे थे। कोरोना काल के दौरान जब लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तब कोरोनील को बिना किसी आधार के कोविड 19 का इलाज बताकर प्रचारित किया गया। आखिरकार भारत सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया और बताया कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दिखाता हो कि इससे इलाज हो सकता है। हाँ, इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करने की बात जरूर कही गई थी। सरकार के स्पष्टीकरण के बाद योग गुरु को अपनी मार्केटिंग रोकनी पड़ी। अब भारत में मौत का आंकड़ा जब रोजाना घटकर 50 पर पहुंच गया है तो योग गुरु उस मेडिकल साइंस को ही असफल बता रहे हैं जिसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का संचालन खुद केंद्र सरकार कर रही है। एक बार मशहूर योग गुरु रामदेव के दावे को सुन लेते हैं। डबल वैक्सीन की डोज भी लगा ली, बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम। लो, ले लो प्रसाद। ये कहते हैं हम दुनिया के शहनशाह, हम सर्वशक्तिमान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं मेडिकल साइंस में। ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है कि दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन की ओर लौटेगी। रामदेव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारत अगर गिलोय के ऊपर रिसर्च करे और दवाइयां बनाए तो भारत विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। रामदेव के नए दावे पर बात करें उससे पहले योग गुरु के यू टर्न के इतिहास को भी जान लेते हैं। आपको याद दिला दूं, जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन पर भरोसा कर रही थी, तब योग गुरु ने ऐलान किया था कि वह संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें योग और आयुर्वेद का डबल सुरक्षा कवच मिला हुआ है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद रामदेव ने सभी डॉक्टर्स को भगवान के भेजे हुए देवदूत बताते हुए न केवल खुद के लिए वैक्सीन लगवाने की बात कही थी बल्कि दूसरे लोगों से भी कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवाने को कहा। देखिए, कोरोना की लहरें तो आती रहेंगी। एक तरफ आदरणीय मोदी जी ने 21 जून से ऐतिहासिक घोषणा कर दी है कि सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी, तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोनील टैबलेट और श्वासारी वटी नाम की दो दवाएं पेश करते हुए कहा था कि इन दवाओं से कोविड 19 की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज किया जा सकेगा। रामदेव ने दावा करते हुए कहा, सरकारी मंजूरी के बाद इस दवा का ट्रायल 280 मरीजों पर किया गया और वे पूरी तरह ठीक हो गए। हालांकि बाद में इसे इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचा गया। योग गुरु रामदेव ने करीब 10 साल पहले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कहा था कि अगर भारत के लोगों का सारा काला धन वापस अपने देश आ जाए तो पेट्रोल डीजल 30 रुपये लीटर मिलने लगेंगे। लेकिन सरकार बदलने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए लिए गए कई कड़े और बड़े फैसले के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के करीब हैं, जबकि कई बार केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी जा चुकी है। ऐसे में बाबा रामदेव से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा आपको याद ही होगा, पूछ पाड़ेगा के मेरी वाली बयान। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी, मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी। ऐसे उन्हें अब पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी कर लगाना सरकार की मजबूरी भी लगती है कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा ऐसी अपेक्षा है। योग गुरु रामदेव एक समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पानी पी पी कर कोसते थे। यहाँ तक कि उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने एक विज्ञापन में बहुराष्ट्रीय कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बता दिया था। लेकिन कुछ समय बाद पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा
कि उनके पास 3-4 ग्लोबल कंपनियों के ऑफर हैं जो पतंजलि के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील करना चाहती हैं। जब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमारे मूल्यों से टकराव नहीं होता है, हमें उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कंपनी का नाम नहीं बताया गया था। खैर, अब एक बार फिर से रामदेव के ताजा तरीन बयान पर आते हैं। उनके दावे को लेकर एलोपैथी फर्टर्निटी क्या सोचती है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी और डॉक्टर मोहसिन वली, जो एक भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के पूर्व मानद चिकित्सक रह चुके हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आप दोनों से बारी बारी से पूछना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सैनी सर से बात करूंगा कि योग गुरु ने जो सवाल खड़े किए हैं कि पहला डोज, दूसरा डोज और फिर बूस्टर लगने के बाद भी अगर किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो फिर ये मेडिकल साइंस फेलियर है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो मैंने, आपने जो शब्द यूज किया गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है कि सही सलाह देना, वैज्ञानिक तरीके से सलाह देना, ताकि लोग गुमराह ना हो। लेकिन आपने रामदेव जी का जो नाम लिया, उनके आगे योग गुरु लगाया, गुरु से मुझे शब्द से ही चिढ़ है उनके नाम के आगे, क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने बोला कि ये जो वैक्सीनेशन जिनको लगा है उसके बावजूद भी हो रहा है, ये फिर उसका वैक्सीनेशन क्या क्या फायदा है, ये जो एक है, ये लोगों के मन में भ्रांति पैदा की जा रही है। किसी भी गुरु के लिए अच्छी बात नहीं है इस बात को करना। साइंस इज एविडेंस बेस्ड स्टडी। पूरा वर्ल्ड कह रहा है, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस समय यदि कोरोना को हमें छुटकारा पाना है, इसको हमें दूर अपने से रखना है, तो 2-3 तरीके ही हैं। एक है हमारा मास सोशल डिस्टेंस, और सबसे बड़ा कारण, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो हमारा वैक्सीनेशन। और उसका हमने एविडेंस बेस, हमने उसका देखा भी उसका रिजल्ट, कि आज जो पहले अभी कोरोना किसी को हो भी जाता है और यदि उसको वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो उसकी जो मौत की जो दुर्घटना जो हो सकती है, मौत उसकी हो सकती है, उसका बहुत ही लीस्ट उसका इफेक्ट होगा कि उसको इतना सीवियर हो जाए कि उसकी मौत हो जाए। तो ये एविडेंस बेस्ड है जिसपे हमने, साइंस ने उसके ऊपर पूरा आधार बनाया। और जिसपे एक आदमी जिसको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और लोगों के मन में भ्रांति पैदा कर दे क्योंकि उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया एज ए गुरु, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात गलत है। उसके नाम के आगे से पहले तो गुरु हटा दीजिए, नहीं तो लोगों के मन में भ्रांति पैदा होती है कि यस, ये यदि आदमी कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और हमने कहीं भी नहीं कहा, साइंस ने कभी ये नहीं कहा कि यदि किसी को वैक्सीनेशन लगा है तो उसको दोबारा से ये कोरोना नहीं हो सकता, ये नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा है कि यदि उसको वैक्सीनेशन लगा होगा तो यदि उसको सपोज ये हो भी जाता है तो उसकी सेवेरिटी नहीं होगी ज्यादा, उसकी कम से कम होगी, संभावना कम हो जाएगी। जी डॉक्टर मोहसिन सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह का भ्रामक बयान देना, जबकि आप देख रहे हैं कि अभी शायद ये कोरोना वैक्सीन का ही कमाल है कि रोज के आंकड़े जो मौत के थे वो 50 के आसपास आकर सीमित हो गए। हालांकि ये भी बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर दूसरे सीजन को आप देखें, जिस तरह से कोरोना सेकेंड वेव आया था और तब से अभी के सफर को देखें, उसके बाद योग गुरु जिनकी इतनी बड़ी पॉपुलरिटी है वो इस तरह के बयान देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि मैं पहले तो योग को सैल्यूट करता हूँ, योग में पूरा विश्वास रखता हूँ, आयुर्वेद में पूरा विश्वास रखता हूँ। और मैं आपसे ये बात कहूंगा कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें वैक्सीन्स नहीं हैं, तो उसके लिए हम एलोपैथी लेबोरेटरी रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, उसका हम सहारा लेते हैं। और बहुत समय तक लोग इसमें भ्रमित रहे कि टीका लगवाएं नहीं लगवाएं, अभी भी लोग पूछते हैं फोन करके कि हम बूस्टर लगवाएं कि नहीं लगवाएं। और मैं आपको ले चलता हूं 15 अगस्त की उस साल में जब वैक्सीन नहीं आया था
और रशियन कंट्रीज का वैक्सीन अनाउंस हो गया था 12 या 13 अगस्त को, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेस्ट्रेंट किया था कि जल्दी में हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हम भी वैक्सीन ले आएंगे, तो लाल किले के प्राचीर से वो अनाउंसमेंट डिफर हुआ था। और बाद में जब पूरा टेस्टिंग हो गया, पूरा उसका एविडेंस आ गया, वैक्सीन की कार्य क्षमता प्रूव हो गई, तब वैक्सीन हमारे बंदों को लगाए गए, और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जाके लगवाया। तो ये ऐसी स्थिति थी कि लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा करना था वैक्सीन के प्रति, और इसमें बहुत समय लगे है। और अभी आजादी के अमृत महोत्सव पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के साइन बोर्ड्स लगे हैं, और हमने 200 करोड़ प्लस वैक्सीन का जो अचीवमेंट किया है वो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो अब मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति इसमें कोई संकोच रखता ही नहीं है कि वैक्सीन से फायदा नहीं होगा या नुकसान होगा। वैक्सीन के बारे में लोग अपनी राय बना चुके हैं, और अब शायद उनको किसी राय की जरूरत है ही नहीं। वैक्सीन के बारे में लोगों का जो यकीन है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, अब तो छोटे बच्चों के वैक्सीन की बात हो रही है, बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। तो वैक्सीन के बारे में जो हमारा एक सॉलिड एक हमारा विश्वास है, उसको अब कोई भी हिला नहीं सकता। मैं इसमें पूरी तरह विश्वास रखता हूँ, और मैं आयुर्वेदा को और आयुष से संबंधित जितनी भी पैथीज हमारी कंट्री में है उन सबको मैं बहुत एनरोस करता हूँ। पेशेंट्स को मैं बात भी करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं, बड़े आदमी हैं, तो मैं छोटा सा एक डॉक्टर हूँ, और मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, मैं तो गुरु नहीं, मैं तो चेला हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो आपने जो वैक्सीन के बारे में बात की है, मैं वैक्सीन के बारे में यकीन के साथ पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे वैक्सीन, हाँ हमारे वैक्सीन दुनिया में जो वैक्सीन है उन सबसे बहुत अच्छे हैं, और हमारे वेल ट्राइड टेस्टेड सेफ वैक्सीन हैं। और वो जो कुछ साइड इफेक्ट्स दूसरे mRNA वैक्सीन से वर्ल्ड ओवर हुए हैं वो भी हमारे देश में नहीं हुए हैं, और हमारे वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज और छोटे बच्चों के लिए वो बहुत अच्छे हैं। एला साहब ने जब वैक्सीन उनका आया था, उन्होंने रोते रोते ये बात कही थी कि मेरा वैक्सीन इतना सेफ है कि अगर मैं अपनी छोटी ग्रैंड डॉटर को भी लगवाने के लिए मुझसे कहा जाए तो मैं लगवा लूंगा। तो इस सब के साथ मेरे ख्याल से इसमें कोई भ्रम की स्थिति अब नहीं रह जाती। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात सच है, रामदेव जी की फॉलोइंग है, और ऐसे लोगों की जिनकी फॉलोइंग हो, यदि ये ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि के खिलाफ है तो गलत बात है, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। लोगों में विश्वास है, लेकिन लोगों में अविश्वास आने में कोई टाइम नहीं लगता। यदि कोई ऐसा आदमी, जो आप भी कह रहे थे कि बड़े आदमी है, लेकिन मैं कहूंगा बड़े आदमी कुछ भी हो लेकिन उनके फॉलोअर्स हैं, और यदि ऐसे फॉलोअर्स के बीच में उनका ये गुरुजी ऐसा शब्द बोलेंगे तो लोगों में अविश्वास पैदा होगा। इसलिए सरकार को उनको चेतावनी देनी चाहिए, पहले भी दी गई थी उनको चेतावनी, कि बिना बात पर अपनी अपनी पद्धति को बढ़ाने के लिए, हम जैसा सबने कहा, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है आयुर्वेदिक में भी, होम्योपैथिक में, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड हो। लेकिन ऐसे लोग जो फॉलोइंग बनाकर उसको अपने फायदे के लिए किसी चीज को नीचा गिराएं, जो कि एविडेंस बेस्ड है, जो आज की तारीख में सिर्फ एक ही सेफ प्रोसीजर है वो वैक्सीनेशन, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, सरकार को इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी ये होगा, नहीं तो लोगों में अविश्वास आने में कोई टाइम नहीं लगता। जी सर, इसी पे मेरा सवाल है, क्योंकि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, जब कोई वैक्सीन को मान्यता दी जाती है, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा, तो उनको किन प्रकरणों से गुजरना पड़ता है और उसकी सफलता की गारंटी कितनी होती है, इसको आप बहुत आम भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझाएं ताकि लोगों को समझ में आए कि सरकार यूं ही किसी वैक्सीन को मान्यता नहीं देती। देखिए, जब वैक्सीनेशन बनते है, आप देखिए 2-3 साल की, पहले तो 5 साल 10 साल तक लग जाते थे वैक्सीनेशन आने में। ये तो सिर्फ मैं कहूंगा कि साइंस ने बहुत तरक्की की, जो एक हम फॉर्चुनेट थे इस समय हम पैदा हुए और इस समय कोरोना आया, कि हम 2 से 2.5 साल लगे एक वैक्सीनेशन बनाने में। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन बनता है, पहले एनिमल्स पे इनकी स्टडी होती है, एनिमल से जब हम इसको पूर्णता कर लेते हैं तब इसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं कुछ पॉपुलेशन पे, कुछ लोगों पर,
उसके बाद हम स्टडी करते हैं फिर पूरी पॉपुलेशन पे, और उसके बावजूद भी हम हर वक्त जो उसके साइड इफेक्ट है उसके ऊपर साइंस चलती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े सारे वर्जन आते रहते हैं किसी भी वैक्सीनेशन के, उसके वर्जन आने का मतलब ही होता है। जैसे अभी हमने जो वैक्सीनेशन शुरू किया, सभी को नहीं शुरू किया था, शुरू में वैक्सीनेशन शुरू किया कि सिर्फ ये पॉपुलेशन को देंगे, बच्चों में हमने शुरू नहीं किया क्योंकि बच्चों पे अभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाए थे, उस पे हम नहीं पता कर पाए थे कि क्या उनमें इम्यूनिटी पैदा हो रही है कि नहीं हो रही, या उनके कोई साइड इफेक्ट इतने ज्यादा ना हो जाए जिससे वैक्सीनेशन ही नुकसानदायक हो जाए। तो इसलिए इसके ऊपर धीरे धीरे करके जब एक्सपेरिमेंट होते हैं 2 से 3 साल तक लगते हैं, जो पहले मैंने बताया 5 से 10 साल तक लगते थे, तब जाकर एक वैक्सीनेशन बनता है जिसके आधार पर हम लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं। लेकिन एक आदमी जिसके पास कोई साइंस की बैकग्राउंड हो और वो ये कहना शुरू कर दे कि ये बिल्कुल गलत है, अब इसको इसका कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मोहसिन सर, आपसे मेरा सवाल है, सरकारें कोई भी हो, आयुर्वेद को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है, आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में या विदेश में जो वहां के साइंटिस्ट हैं अब तक आयुर्वेद को लेकर बहुत गंभीर नहीं रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ही दुखी हृदय से ये बात कहता हूं, ये चरक और सुश्रुत का देश है और जिन लोगों ने एलोपैथी को पॉपुलर किया है उन्होंने इन किताबों से ही निकाली हैं अपनी मेडिकल की चीजें, और इब्ने सीना जैसे जो मशहूर हकीम थे इंटरनेशनल रेपुटेशन के, उनके लिटरेचर से निकाली हैं, और उनको हटाकर ग्रीक लैंग्वेज में और फिर इंग्लिश में पूरी दुनिया को पॉपुलराइज किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो गई। और अब भी हम जिस तरह से अपनी ही पद्धति के लिए जागरूक नहीं है, अपनी पद्धति को आगे नहीं बढ़ाते हैं, मैं यहाँ कोट करूंगा एक डॉक्टर साहब को जो के साउथ के हैं और जिनको अभी पद्म भूषण मिला है, और उनकी बातें हम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं, तो उनको जो है उनके वीडियोस अगर हम देखते हैं तो गीता से, चरक और सुश्रुत संहिता से, पुराणों से, और वो आखिर में उसको एटॉमिक लिटरेचर से और क्वांटम फिजिक्स से रिलेट करते हैं। तो ये एक विज्ञान में कहीं ना कहीं एक ब्रिजिंग का डिफेक्ट रहा है कि हमने मॉडर्न साइंस के थ्रू आयुर्वेद को ना समझा है ना समझाया है। और मैं आपको बताऊं, आज भी डिजॉक्सिन की जो गोली है जो हार्ट के लिए रामबाण है, वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। रावल्फिया सरपेंटाइना जितनी जो हाइपरटेंशन की मशहूर तरीन दवा है, वो भी आयुर्वेदिक प्लांट से है, और लाखों दवाएं, लीवर की दवाएं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल एलोपैथिक डॉक्टर की तरह से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दे आर मोस्टली हर्बल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं हमको कोरिलेशन बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड आवर आयुर्वेदा एंशियंट मेडिसिन, उसमें ब्रिजिंग करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जनता ने इसको सरल पद्धति समझकर लिया है। जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं उसमें आयुर्वेद सेफ है, एक्यूट इमरजेंसीज की बात करते हैं तो उसमें एलोपैथिक सुप्रीम है, सुपीरियर है। सर्जिकल स्टेट्स में और सर्जिकल बीमारियों में उसका रोल बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमको इसको सही से रिप्रेजेंट करना है आगे। और आप देखें, आजकल बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है हर्बल मेडिसिन का, आयुर्वेदा का बहुत प्रमोशन हो रहा है। इसके लिए सरकार ने देखिए आयुष मंत्रालय बनाया है, इसके लिए अलग विभाग है। पहले जब हम दिल्ली आए थे तो स्वास्थ्य मंत्रालय में एक छोटी सी डिविजन हुआ करती थी, तो अब पूरा इसका विभाग नहीं मंत्रालय है और बहुत बड़ी तादाद में ये काम हो रहा है। और WHO और इंटरनेशनल बॉडीज ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में आयुर्वेदा को सराहा है और आयुर्वेदा पे बहुत ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम हुआ है, और ये सब चीजें अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने आने वाली है, और हम इसको बहुत आने वाले दिनों में, हम नहीं तो हमारे बच्चे बहुत सत्कार के साथ आयुर्वेद को देखेंगे, और जहां जहां भी कहीं गैप्स हैं वो पूरे होंगे, और एक समय आएगा जब लोग बहुत बड़ी तादाद में एक्सेप्टेंस पे आएंगे आयुर्वेदा के लिए, और सही लोग सही दवा को लेकर सामने आएंगे, और उसमें कोई भी इस तरह का डिवीजन नहीं होगा जैसे कि केसर और जाफरान में होता है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझ पाए होंगे कि आयुर्वेद से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो व्यक्ति कह रहे हैं और जिस तरीके से वो चीजों को प्रचारित कर रहे हैं वो भ्रामक है। अगर आप उसको वैज्ञानिक तरीके से बोलते हैं और उसको प्रूफ करते हैं तो फिर लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सर, बातचीत के लिए नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।